अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोपालपुर सी बीच में। देखिए पूरा बीच से सटा हुआ है ये नदी वाला एरिया। सारे लोग रहते हैं, अपना बोट यहाँ पर रिपेयर करते हैं। लेट हो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोपालपुर सी बीच में, और इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा हम लोग थे आर्यापल्ली, क्या था वो बीच, आर्यापल्ली बीच था। तो वहाँ से अभी हम लोग गोपालपुर सी बीच में पहुँचे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि खाने पीने का जो सामान है ना, जो सी फूड है, वो आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। और अभी हम लोग उसके जस्ट साइड में रुके हुए हैं जहाँ पर पूरे बोट्स हैं, और ये पीछे साइड है समुंदर। तो चलिए पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं पूरा। ये देखिए पूरा बीच से सटा हुआ है ये नदी वाला एरिया। असल में ये नदी नहीं है, ये समुद्र का ही एरिया है। बीच में थोड़ा सा एरिया उठा हुआ है, और उस साइड समुंदर है और इस साइड पानी है। तो यहाँ पर जो बोट है, बोट रिपेयरिंग के लिए रखा जाता है। जितने भी मछुआरे लोग रहते हैं अपना बोट यहाँ पर रिपेयर करते हैं, और फिर यहाँ से सीधा समुंदर में चढ़ा देते हैं बोट को। ये देखिए ये है मछली का जाली, जाली पकड़ के यहाँ पर, ये जाली से ही मछली पकड़ा जाता है। मछुआरे जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं तैराकी में, इसीलिए वो लोग को लाइफ जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ता। वो लोग लाइफ जैकेट लेके नहीं जाते हैं, वैसे ही तैर लेते हैं भाई। समुद्र में अगर बोट कुछ हो जाता है तो वो लोग इजीली अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो अपन पहुंच चुके हैं सी बीच में, और ये देखिए एक स्ट्रगल चला है। गाड़ी को अब सीधा समुंदर के अंदर घुसाने का विचार बना दिए हम लोग। ये देखो क्या हुई रेडी, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, नहीं निकाल पा रहे हो? कैसा लग रहा है? बस बस बस, गाड़ी को यहाँ फंसा दिया है, धकेल नहीं पा रहे। चल भाई धकेल। केमिकल्स वगैरह, छोटे छोटे पतले पतले तार होते हैं, उन सबको ना जोड़ के लोग जाली बुनते हैं मछली पकड़ने के लिए, खुद ही बना लेते हैं जाली। तो दोस्तों यहाँ ऐसा है कि आप किसी भी गली में घुस जाओ, वहाँ से आपको पार्किंग देना ही पड़ेगा, और 10 रुपये का पार्किंग है। कहीं से भी किसी भी गली में जाओ। और ये है देखो, ये है गोपालपुर बीच। प्याज नींब लिया, नींबू तो अपन लिए हैं भाई, नींबू नहीं टिके। ये यहाँ पर झींगा लिए हैं, 400 रुपये का आया हुआ है। देखते हैं टेस्ट कैसा है यहाँ का झींगा का। ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट चले, जिंदगी में ब्लैक हो गया है डॉट। ये देख के मिंडी ब्लैक है।
अच्छा टेस्ट, अच्छा है। कैसा लगा? इतना फास्ट नहीं है, पैसा वसूल करनी है। तो यहाँ पर अभी जो फिश हम लोग खाया उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, बहुत बेकार लगा। सबसे बड़ा टाइप लगा हैं भाई। मैं फोटो ले देख भाई, शंख वंख का सामान यहाँ मिला थे। बहुत कुछ खुल गया भाई पहले से। क्या ले लेके आया भाई? ये है गोपालपुर सी बीच का स्टेज जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होते रहता है। बिजनेस आइडिया करना चाहते हैं बट हमारा रेडी सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखो इसका बिजनेस आइडिया ऐसा कहना है कि जो गोवा में जिस तरह से हम लोग स्कूबा किए थे, जो गोल्डन आइलैंड घूमे थे, वैसा ही कुछ यहाँ पर बिजनेस आइडिया करने का सोच रहा है जी। जाल मुड़ी ले रहे हैं भाई, नहीं चना मसाला ले रहे हैं। फोटो कुछ भी नहीं आएगा देख। तो अपन ले चुके हैं दोस्तों, देखो चना। पाव भाजी हब लेट हब आवड़ के टेस्ट है पाव आवड़ी दियो भाई। तुम 50 टका दीटा पाव जाएगा ना भैया? 50 टका बोटा पाव आवड़ी दियो क्या? नमक तो दोस्तों अपन अभी पाव खाए लास्ट बार, पाव तो ठीक था लेकिन थोड़ा रेट थोड़ा सा ठीक नहीं लगा क्योंकि 60 रुपीज में दो पाव दे रहा था। और टेस्ट कैसा लगा तेरे को? टेस्ट ठीक ठाक है मतलब देखे तो स्ट्रीट फूड के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा होता है। हाँ रेट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन स्ट्रीट फूड के हिसाब से सही है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको स्ट्रीट फूड्स में बहुत सारे वैरायटी मिल जाएगी, जिसमें नॉर्थ इंडियन वैरायटीज़ भी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें देख सकते हो आप पाव भी है यहाँ पर, भुट्टा भी मिल जा रहा है, स्वीट कॉर्न। वो गोपालपुर में आपको होटल्स की कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, आप यहाँ पर ईज़िली स्टे कर सकते हैं। अगर आप परमपुर से आ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन बचता है, अगर आप सी के सामने ही अगर होटल लेना चाहते हैं तो आपको गोपालपुर में ही बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप सिटी में लेना चाहते हैं तो यहाँ से बरमपुर ज़्यादा ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा ना भाई, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर है यहाँ से बरमपुर, तो बरमपुर में आप अच्छा खासा होटल ले सकते हैं। दोस्तों अपन यहाँ से ले रहे हैं खाड़ी भाई। ये देखो ये है छेनापोड़ो, छेनापोड़ो नहीं है दूध का बना होता है, ये मिलता नहीं है हमारे उधर मिलता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर इन करेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।